बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं 47 न्यूज़। तो इस टाइम हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट लाहौर में। तो जैसा कि मैं आपको बताती चलूं कि लिबर्टी जो है वो लाहौर की बहुत फेमस मार्केट है। जो भी होती है चीज़ें वगैरह फेमस, मतलब ब्राइडीज की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो मैं करूँगी ये कि आपको जो है करवाऊँगी इंट्रोड्यूस कुछ गेस्ट से, बल्कि गेस्ट भी नहीं कह सकते, यहाँ की आवाम से, पब्लिक से मैं आपको जो है वो बातें करेंगे पब्लिक से, और उनसे एक छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही रौनक है। ये इतनी प्यारी बैंगल्स, चूड़ियाँ, कड़े वगैरह जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नेम आपका? अहमद अली। अच्छा, तो ये आपने खुद बनाया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो ये एक प्राइस क्या है इसकी? 150 है। अच्छा, तो ये जो बड़े वाले हैं इनकी क्या है? ये 250 का सेट है। 250 का सेट है। चले, होती है अर्निंग आपकी? अभी तो स्मार्ट लॉकडाउन भी वैसे चल रहा है। जी बस रीजनेबल सा काम है, गुजारा हो रहा है। चले, बस ये दुआ के लॉकडाउन ना हो जिसकी वजह से फिर हम ठप होके बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या करते क्या है बस ये? इसके अलावा मैं खुद बनाता हूँ और ये बना के सेल कर देता हूँ। और ठीक हो गया, बहुत प्यारी बनाते हैं, खुद अपने हैंड राइटिंग से बनाते हैं सारे। ठीक हो गया। तो अगर जो है दूसरों ने खरीदना हो तो 130 ही प्राइस रहेगी आपकी? नहीं, डिस्काउंट कस्टमर करवाता है। अच्छा, 50 कम तो कराने होते हैं। ठीक है ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कोई सा भी रीजनेबल सा, मतलब कॉमन सेंस का, तो आप जवाब देंगे? देखता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि लाहौर का जो पुराना नाम है वो क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? चले कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आपको यानी कि सिंगिंग विंगिंग कुछ आती है? नहीं। कोई शेर? नहीं, मैं एक देहाती सा बंदा हूँ, मुझे ये काम आता है जो काम कर रहा हूँ बस। चले ठीक है ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुत ही प्यारा स्टॉल जो लड़कियों को बहुत पसंद आएगा ये लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन किया, चले खैर कोई बात नहीं, उनको नहीं आया तो हम दूसरों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तो जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अभी मैं रिसेंटली चल ही रही थी तो मेरी नज़र इस खूबसूरत बैग्स पर पड़ी। मेरे कैमरा मैन दिखाते चले, जो इनके, अगर आप लिबर्टी आएंगे तो ये आप बैग्स भी चेक कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इनकी प्राइस वगैरह पूछें, ताकि आप जब आएँ तो आपको जो है वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना हो, आप से करवाते हैं इनकी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मदरी साहब। अच्छा, तो ये आपका बैग स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या प्राइस है इसकी? डिफरेंट है सबकी प्राइस है। अच्छा, ये मिनी वाले की क्या है? ये वाली 800 रुपये का है। अच्छा, 800 रुपये का। बहुत अच्छा आपका स्टॉल लगा हुआ है जी। तो अगर आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर देंगे? बताएं। लाहौर का पुराना नाम क्या है? लहू। सोच लें एक बार। मैंने सोच लिया है। लाहौर का? हाँ जी। कसूर का भी बता सकता हूँ पुराना नाम क्या है? कसू। नहीं, यही आप, मैंने किताब में पढ़ा था कि एक बादशाह था, उसके दो बच्चे थे, एक का नाम लहू था, एक का नाम कसू था। जिसकी मौत इधर हुई है उसका नाम लाहौर, मतलब लाहौर बन गया लहू से, और जो कसूर में मरा उसका कसूर बढ़ गया। ये किताब पढ़ी थी पुरानी। कोई नाम याद है जिसकी किताब? नहीं, मेरे वाले साहब ने पढ़ा था, कोई काफ़ी पुरानी किताब थी, उन्होंने उधर से स्टडी किया था, मैंने भी उधर से नोट किया। इनकी इंफॉर्मेटिव जो है, इंफॉर्मेशन के हवाले से, इनके मुताबिक लाहौर और कसूर का जो नाम है वो लहू और कसू है। ठीक है, चले थैंक यू सो मच। आप क्या कह रहे थे कि लाहौर का क्या पुराना नाम है? महमूदाबाद। हाँ। महमूदाबाद बाद में होगा, पहले लहू था। हाँ। आप कंफर्म कर लीजिएगा। चले ठीक है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में ये होगा तो मैं जरूर कंफर्म करूंगी, लेकिन इसका आंसर जो था वो महमूदाबाद था। महमूदाबाद। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए दूसरों से भी करते हैं बातें, आपको दिखाते चलते हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन तो हुआ हुआ है, जैसे हुकूमत ने कहा है कि जो है वो लॉकडाउन हो सकता है, बल्कि उन्होंने लगा ही दिया है, परसों से लग गया है लॉकडाउन। तो फिर भी आप रश देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। आइए करते हैं दूसरों से भी बात, मेरे साथ रहिएगा जी। वाह जी वाह, मैजिक कॉर्न। जैसा कि अभी मैं चल ही रही थी तो मेरी नज़र जो है मैजिक कॉर्न पे पड़ी। ये साहब है, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। कैसे आप? ठीक। ये आप खुद बनाते हैं क्या?
ये आप जो कॉर्न है खुद बनाते हैं? नहीं। कौन बनाते हैं? ये बाहर के कॉर्न है, ये हमें देते हैं लोग। अच्छा, तो आप प्रिपेयर करके देते होंगे ना? जी। तो एक जो कप है जो इसमें आपने रेडी किया, क्या इसकी प्राइस है? ये 150 का है। 150 का है जी। ठीक है जी, आप देख लें जब भी लिबर्टी आए तो ये जरूर खाइएगा। डिफरेंट प्राइस है या एक ही है? नहीं, डिफरेंट है, 250 150। अच्छा, सही हो गया। तो सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आप मुझे बताएंगे उसका आंसर? बहुत इजी सर। लाहौर का पुराना नाम क्या था? लाहौर का पुराना नाम? हाँ जी। नहीं नहीं पता। चले कोई बात नहीं, कोई शेर आता हो या कुछ भी, सिंगिंग शेर, कोई इकबाल का शेर, कुछ भी नहीं। चले, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, अगर आप लिबर्टी आए तो मैजिक कॉर्न जरूर खाइएगा। आगे आज चल के बातें करते हैं दूसरों से भी, मेरे साथ रहिए। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक लड़की को कुर्ते बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं कुर्ते। चले बात करते हैं इनके ऑनर से कि क्या प्राइस है। अगर आप लिबर्टी आए तो जरूर खरीदिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये आपके स्टॉल है? ये हमारा स्टॉल लगा हुआ। अच्छा, तो कुर्तों की क्या प्राइस है? ये हम सबसे कम तरीन प्राइस में दे रहे हैं, 500 ईच। इस महंगाई के इस दौर में ये कुर्ता देखें, दिखा दीजिएगा जी। लेकिन वैसे भी विंटर स्टार्ट है तो उसकी कलेक्शन होगी। उसकी कलेक्शन, बिल्कुल उसकी कलेक्शन है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ता, ये ईच जो है 500 एक ईच, 500 ईच है। अच्छा, जी हो गया। तो इसमें बहुत कम मार्जिन हमने रखा है। महंगाई का दौर है, बहुत चीज़ें महंगी हुई हैं, हर चीज़ जो है उस पर टैक्स ड्यूटी और वैसे भी माफिया ने कुछ बहुत महंगी की हुई हैं चीज़ें। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ जो है ना सेल करें, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी कम आ रहा है। अच्छा। इस वजह से कम आ रहा है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो हम फिर भी जो है कुछ ना कुछ बड़ा बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट रख कर ना सेल कर रहे हैं जी। जी, थैंक यू सो मच। सर, आप अपना नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम अब्बास साहबान है। आप इधर ही होते हैं? इधर ही होता हूँ। तो जी नाजरीन, जब भी आप लिबर्टी आए तो अब्बास साहिब के पास जरूर आइएगा। ईच कुर्ता जो उन लोगों ने प्राइस बताई है सर्दियों के हवाले से, वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो ईच कुर्ता इसकी प्राइस जो है वो 500 है। तो आप जब लिबर्टी आइएगा तो जरूर अब्बास साहिब के पास आइएगा जी। जी आइए, मैं आपको और कलेक्शन दिखा देती हूँ। आए यहाँ पे है, जैसे कि ये लड़कियाँ टॉप जीन्स के साथ पहन लेती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से आके ये भी ले सकती हैं। खासतौर पे यंग यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ जो हैं वो आके इसको कैरी कर सकती हैं। इधर आइएगा जी नाजरीन। तो ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है, मतलब अभी सर्दियाँ आ ही चुकी हैं, तो ये इसका जो स्वेटर जो है उसकी पूछ रहे थे कि क्या रेंज है, और भी बहुत से हैं, देखिएगा ये दिखाइएगा, और भी बहुत से हैं। तो आप लिबर्टी जब भी आएँ तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं, आवाम से पूछते हैं क्वेश्चन आंसर्स कि उनका क्या। जी नाजरीन, तो हम इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी में, कुछ मेरे साथ आवाम मौजूद हैं, इनसे करते हैं सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। क्या आप शॉपिंग करने आए हैं? जी। कुछ की शॉपिंग आप? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी। बस ये बच्चों के कुछ शूज़ हैं, कुछ कपड़े वगैरह मखसूस सिलसिले में आए हुए। तो आप हमेशा से यहीं से करते हैं? नहीं, बस मैं आउट स्टेशन से हूँ, जब आते हैं तो तब हम लोग करते हैं। तो वैसे भी स्मार्ट लॉकडाउन लगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए लोगों में, कुछ भी मैं देख रहा हूँ अभी भी यहाँ बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, होना चाहिए लेकिन लोग ऑब्जर्व नहीं करते इसे प्रॉपरली। अभी यही हम देख रहे हैं और देखिए सब लोगों ने इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया हुआ। बिल्कुल, यही मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, लेकिन देखने में तो यही है ना कि फर्स्ट टाइम है, तो आप देख ही सकते हैं जी। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए आप जवाब दें। श्योर श्योर बच्चे। लाहौर का जो पुराना नाम था वो कौन सा? लाहौर का पुराना नाम, आई एम सॉरी। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने SOPs के हवाले से बातें की। SOPs को फॉलो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पड़ा हुआ है मास्क, हमारा है उसमें, हम उसको भी देखेंगे, देख लेते हैं कि क्या है। तो आइए चलते हैं, करते हैं दूसरों से भी बात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाल। अच्छा, ये क्या खा रही हैं? कौन? अच्छा ठीक है, मजे की है? बहुत टेस्टी है। क्या करने आई थी आप? शॉपिंग। अच्छा हाँ जी, बता दें फ्लेवर। हॉट एंड स्पाइसी। अच्छा ठीक है, आप स्पाइसी खाने की आदत लग गई, सही हो गया। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, बताएंगे आप मुझे? जी जी पूछ। लाहौर का जो पुराना नाम था वो क्या था? मैं एक्चुअली लाहौर की हूँ ही नहीं, ये लाहौर वो लाहौर। लाहौर का पुराना नाम क्या था? लाहौर ही था। नहीं, देखिएगा क्या नाम है पुराना, मुझे नहीं आइडिया। चले कोई बात नहीं, आपने जी लाहौर क्या नाम है? लाहौर। नहीं लाहौर नहीं है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है? कोई शेर, कोई सिंगिंग, कुछ भी? मेरी पर्सनैलिटी। हाँ, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए। इसके अलावा अपनी तारीफ, अपनी तारीफ करना, इसकी लुक्स भी। वो तो हर एक लड़की ऐसे ही कहेगी, मेरी लुक्स और ये सारा कुछ, ये तो बेस्ट है, लड़कियों में होना भी चाहिए। तो कोई शेर आता है? हाँ, एक आता है। फनी बात, कोई हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी क्या बड़ी मुश्किल से हुआ चमन में दीदावर पैदा। जी वाह जी वाह, क्लैपिंग कर ले अपने लिए हुदी। बहुत थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक ठाक। क्या करने आई है? शॉपिंग। हाँ जी शॉपिंग करने। कुछ शॉपिंग नहीं, अभी तो अभी आए, एटीएम से पैसे निकलवाने गई। अच्छा, बेटी अच्छा, ठीक है। ये आपकी बेटी है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। पढ़ती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? यूनिवर्सिटी में। अच्छा यूनिवर्सिटी में, अल्लाह। अच्छा ठीक है ठीक है, यूनिवर्सिटी में है, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो शॉपिंग अभी एटीएम के बाद निकलवाने के पैसे बाद। ओके, तो कुछ खाया पिया? अभी नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तो आप से एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। लाहौर का जो पुराना नाम है वो क्या है? लाहौर का पुराना नाम? जी जी, पुराना नाम भी लाहौर ही है। नहीं हाँ। मतलब जो मुगल वगैरह होते थे उन लोगों ने अपने से भी एक रखा हुआ था, जो हमारे के पार्ट ही नहीं है। लाहौर का पुराना नाम? नहीं, नो आइडिया। चले, तो कुछ आपकी यानी कि सिंगिंग आती होगी या कोई शेर आता होगा वो बताइएगा। शेरा वाला गेट तो है। जी जी बिल्कुल। तो ये इनके दरवाजे थे, उनके नाम पे कोई हो सकता है, प्रोबेबली उन्हीं के नाम पे कोई हो। शेरा वाला गेट नहीं, कुछ और गेट। हाँ जी कुछ हो रहा है, कोई और गेट के नाम पे ही है। गेट के नाम पे नहीं है। चले कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो आप कोई शेर सुना दें या सिंगिंग सुना दें। आपने अपनी यंगस्टर में बहुत से कुछ किए होंगे, बता सकते हैं? अच्छा बताएं। फराज तर के ताल्लुक तो खैर क्या होगा, यही बहुत है कि कम कम मिला करो उससे। वाह 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 वाह, जी जी। इसको कुछ आता है? नहीं मुझे नहीं। कोई पोएम कोई? अच्छा चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है आवाम जो है बहुत ही जोशो जज्बे के साथ जो है वो आई हुई हैं, निकली हुई हैं। मतलब स्मॉल लॉकडाउन का भी ख्याल नहीं कर रहे, आए हुए हैं और बिल्कुल शॉपिंग दबा दब करी जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करते हैं दूसरों से भी बातें और करते सवाल के जवाब जानते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है। शॉपिंग करने आए हुए हैं? तो क्या क्या शॉपिंग की आपने? बस बच्चों की है। अच्छा, क्या फिर भी बताओ बेटे? शूज़ लिए हैं, अपने कपड़े लिए हैं यहाँ से। अच्छा, कोरोना के बाद हमेशा से यही से खरीदते? नहीं, किसी कहीं और जगह से भी खरीद लेते हैं। अच्छा सही हो गया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो अगर आपको आंसर आता होगा आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमारे जो लाहौर की जो कौमी सालन है वो कौन सा? कढ़ाई नहीं पता एक्चुअली, यहाँ आप साग रोटी करीब करीब ही है कुछ करीब, दाल रोटी मकई वाली रोटी और साग। नो दाल तो रोटी तो नहीं, ये नहीं है। नहीं जी, नान चने तो नहीं? नान चने नहीं है, नान चने नहीं है, बिल्कुल नहीं, नान चने नहीं है। चले थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस अभी मैंने स्टे करने के लिए मेरे का कुछ खाते हैं पीते हैं, तो अभी हम बैठने के लिए जा रहे थे कि ये बच्चा मेरे पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोईज। पढ़ते हो?
जी। कौन सी क्लास में? 3। वाह जी वाह। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने। क्या क्या शॉपिंग की है? क्या शॉपिंग की है? कपड़े लिए। कपड़े लिए हैं? अच्छा, तो वो कब पहनोगे? अभी तो कुछ नहीं पता। सर्दियों के मतलब विंटर्स के कपड़े लिए हैं। अच्छा जी, तो और भी आए हैं आपके फैमिली मेम्बर्स? अच्छा, ये आपके फैमिली मेम्बर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा है? जी, हम इस्लामाबाद से अभी आए हैं। जी जी। आज मेरी फ्लाइट थी तो बस इधर ही घूम रहे थे, अभी मैं थोड़ा वेट था फ्लाइट में। अच्छा। तो इसीलिए वो मार्केट से ये सारी शॉपिंग करके। अच्छा अच्छा, तो अभी फ्लाइट है तो आप कैसे पहुँचेंगे? नहीं, अभी रात को 1 बजे है ना। अच्छा, अभी है। इससे पहले आपने कहा शॉपिंग कर लेते हैं। ये आपकी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। तो ये माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत ही यानी के प्राउडेड है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या आप क्या क्या शॉपिंग में किया? शॉपिंग में अभी यही नहीं अपनी शॉपिंग टॉप्स लिए। टॉप्स बस अभी हम आए हैं ना, बिल्कुल अभी वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, रिसेंटली आए हैं। ओके। और ये सेम, दोनों सेम ही लग रहे हैं, इक्वल। एक सेकेंड दिखाइएगा इनको, सेम लग रहे हैं ये बड़ा। इसका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। कोई पोएम आती है? सब कुछ याद है। आपको आती है पोएम? चलो भाई, दोनों में कंपटीशन करते हैं, कौन अच्छी पोएम सुनाता है। जी ये ले पकड़े सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं इनको सिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ठीक। क्या नाम है आपका? नाम नेम? मेरा नाम नीडा है। नीडा है? अच्छा, नीडा है। I only know like basic। अच्छा अच्छा अच्छा, जी इनका नाम नीडा है। कहाँ से आई है? I don't know what does it mean. Oh, I'm from Indonesia. अच्छा, thank you. आपको कैसा लगा पाकिस्तान? पाकिस्तान? Excuse me? How you like Pakistan? Yeah, basically because I love traveling and Pakistan has like beautiful, amazing beauty paradise in northern area. So I came here basically for traveling and I just want to explore Pakistan. And also I'm writing a book about Pakistan because I'm a writer and I have already several books. So I am making a book about the beauty of Pakistan. Thank you so much. क्या आपने मुझे बताया पाकिस्तान के बारे में? तो recently अब ये जा भी रही हैं? अच्छा, अभी आपके साथ ही जाएंगी ना? नहीं, ये अभी तो आई है, अभी जॉब कर रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है इधर, तो इसलिए। ये कॉस्मेटिक्स। अच्छा, कॉस्मेटिक्स। यू आर इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक, इन ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ यू आर लेडीज, राइट? हां, ठीक है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बताया कि ब्रॉड जो है आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए हुए पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने, कि इतनी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान कि दुनिया भर से सब इन लोगों को देखने के लिए आते हैं पाकिस्तान के लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा, ये बच्चा जब आया था हमारे पास, पीछे से मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कहाँ पे जो है, हम लोग सिर्फ बैठने के लिए जा रहे थे, खाना खाने के लिए, कि कुछ खा पी लेंगे तो बैठ जाएंगे, लेकिन पीछे से बच्चे ने आगे स्पेशली मुझे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लें। तो मैंने का ले लिया, तो अब दूसरों से भी करते हैं बातें, तो मेरे साथ रहेगा। सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो ये अच्छा, आप हरी बेच रही हैं? अच्छा, आप बेच रही हैं, तो क्या प्राइस है इसकी? ऐ पुत्र, स्टॉल्स दिखाइए, स्टॉल। अच्छा जी जी जी, क्या प्राइस है? डिफरेंट प्राइस है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसके 50 की? अच्छा अच्छा, सही। और ये ए 100 का एक है। जी देखें नाजरीन, ये कितना खूबसूरत यानी कि बच्चों वाले कैचर्स हैं, कि अगर बच्चे देख रहे हैं तो ये ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, ऐसे कैजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। अच्छा फैसल, पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। वाह, अब तो प्रमोट हो गया ना फर्स्ट ईयर से। हाँ जी। कितने मार्क्स थे मेरे?
754। माशाल्लाह सही है ना कि ऐसे ही टीवी पे आने के लिए बता दी। सही है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई में तुम्हें फैसल। अच्छा तो मैं आपसे करूंगी एक क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर दोगे? बिल्कुल। पाकिस्तान का जो कौमी सालन है वो कौन सा? निहारी। ओ वाओ, इन लोगों इसने सच जवाब दे दिया, शुक्र है इन लोगों इन्होंने दे दिया जवाब। जी अपने लिए खुद ही क्लैपिंग कर लें। ये तो पूछेंगे दो, मैं इधर अपने दोस्त के लिए आया हुआ था, उसकी आज बर्थडे थी तो उसके लिए मैं आज गिफ्ट खरीदने के लिए आया हूँ। क्या गिफ्ट लिया है? आप कुछ अपने दोस्त को मैसेज देना चाहोगे? मैं उसे कहूँगा कि मतलब मे ही लिव लॉन्ग। अच्छा उधर देखते हो। मे ही लिव लॉन्ग हैप्पीली एंजॉय हर लाइफ हिज लाइफ एंड बस। कुछ दोस्त होते हैं कि आप यानी कि उसमें फ्रेंडशिप में तो रहते हो जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो दूर चले जाते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं हो कि अगर आप दूर चले जाओगे तो उन्हें भूल जाओगे? नहीं ऐसे नहीं, अब तो मोबाइल आ गए हैं। हाँ, नहीं फिर भी होता ना, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो सकता? नहीं नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छे अच्छे मेरे दोस्त बन गए हैं ना। नाम लेके बताओ ना किसके लिए गिफ्ट है। मिसम। मिसम उधर देखो। मेरा मिसम है मेरा दोस्त, उसकी आज सालगिरह है तो उसके लिए मैं गिफ्ट खरीदने आया हुआ था। हाँ और कल मैं इस वीडियो भी उसे दिखाऊंगा बिल्कुल। तो जी नाजरीन जैसे कि आपने देखा कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत कम यानी कि दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कर पाए दूसरी जो फीलिंग्स होती हैं दोस्तों की उसको समझ पाएँ, लेकिन निभाने वाले और भी निभाते हैं, सालों साल निभा लेते हैं फ्रेंडशिप को। बेस्ट फ्रेंड जो हैं मेरी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी, तो मैंने इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चल जी नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आए हुए थे आज जो है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी में हम लोगों ने लोगों से बातें भी की, प्राइजेस भी पूछे, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन के दरमियान हम लोग आए हैं, रश तो काफ़ी है, अभी शुरू शुरू में है, थोड़ा कम तो SOPs को फॉलो करना और दूसरी चीज़ों को फॉलो करना। मेरे पास मास्क है बट मेरे पॉकेट में है, अब जाते टाइम पहनेंगे ज़रूर। तो जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो चल रहा है, सीन क्या था, आपने आपको हर एक सीन से इंट्रोडक्ट करवाया। क्वेश्चंस मेरे पास दो थे, जो मैंने दो क्वेश्चंस आवाम से पूछे थे, पब्लिक से, उन्होंने मुझे उसका जवाब, बहुत कम थे जिन्हों को पता था या नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारा कौमी सालन है वो कौन सा है। हमारा कौमी सालन जो है वो निहारी है। और सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था लाहौर का पुराना नाम क्या है। पहला जो था लाहौर का नाम महमूदाबाद था और उसके बाद उसे हटा के महमूदपुर रख दिया गया। मतलब ये दोनों जो सवाल हैं वो उनके जवाब मैंने आपको बता दिए हैं, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए स्पॉट पे एक नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।